मैं एक ही चीज़ कहूँगा पूरे हमवतन अपने भाइयों और बहनों से, ख़ास तौर पर नौजवानों से, मैंने आज एक बार फिर जो एक फैसला लिया, और वो फैसला सिर्फ ये है कि मुझे वकालतनामा मिले अपने आवाम की तरफ से। पता नहीं आज तक क्या किया, कितना किया, कहाँ खामियां रही, कहाँ कुछ अच्छा किया। आज फिर मैंने अपने आप को पेश किया है अवामी अदालत में, जो सबसे बड़ी अदालत है हमारे लिए, मेरे लिए। और ये दरख्वास्त है मेरी, जांच कर, परख कर, हर पहलू पर नज़र डाल कर अपना फैसला सुनाइए। ख़ास तौर पर मैं न सिर्फ कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हजरात से, जिनका फैसला न सिर्फ मेरे बारे में बल्कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां डालने का सवाल है उनके सामने, और मैं पूरे हमवतन लोगों से, पूरे कश्मीर से ये अपील कर लूँगा, आज जिस दलदल में फंसे हैं हम, हमारा वतन, हमारे लोग, इस दलदल से निकलने के लिए रास्ते ढूंढने हैं। मेरा ये मानना है कि एक साथ मिलकर ही रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, और एक साथ मिलकर मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस है हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने, जम्मू के सामने, कश्मीर के सामने, नौजवानों के सामने, इसका मुकाबला अलग अलग नहीं, रसाकशी के ज़रिए नहीं, तने तनहा नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर ही मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है। और मेरी अपील है ख़ास तौर पर नौजवान कम्युनिटी से, यारा सामने आ जा, ये आपकी ज़िंदगी संभालने का सवाल है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी परखें आप, इस काबिल हूँ कि आपका एतमाद मुझे मिले, फैसला दे, मजाज आप हैं, मेरा और कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से मैं आशीर्वाद हासिल करूँ। अहले इक्तदार से हरगिज़ नहीं, हमारे जो कम्युनिटी है, जो ज़्यादा टारगेट्स हैं नफ़रत के, जबर के, बेरोज़गारी के, मनमानी के, मेरा नौजवान, मेरा बच्चा, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, मेरा एजेंडा आपका मुस्तकबिल रहेगा असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जहाँ भी मैं जाऊँ, जो भी मैं बात करूँ, दिल से बोलूँगा, दिल और ज़ुबान में फ़र्क नहीं रखूँगा, और तलाश रहेगी मेरी कि मेरे हमवतन लोगों को सर उठाकर जीने का अधिकार रेस्टोर हो जाए। ये मेरा मैनिफेस्टो है और ये मेरी अपील है अपने हमवतनों से। तारिक अहमद साहब, जो कांग्रेस और सिर्फ इतना ही कहूँगा, जैसा कि मैंने अभी कहा, सैलाब को रोकने के लिए तन तनहा कोई कोशिश भी कर ले, शायद इतनी वो कामयाब कोशिश हो नहीं सकती। जम्मू के मसाइल है, जम्मू के लोग पहले खुशफहमी में उनको रखने की कोशिश की गई, तकसीम करने की कोशिश की गई जम्मू और कश्मीर को, लेकिन आज जम्मू के लोग भी तजुर्बे से सीख रहे हैं, बड़े बड़े वादे अपनी जगह, लेकिन बाज़ार भी मंदा पड़ा है, रोज़गार का नामो निशान नहीं, और बाहर से ठेकेदार आता है विश्व का भी और जालिम का भी, वो बाजर लेने के लिए। यारा कलमकार भी खामोश हैं
और मेरा रिपोर्टर भी, चाहे जम्मू का रिपोर्टर हो या यहाँ का रिपोर्टर हो, दाएं बाएं देखकर ही अपने खूंट थोड़ा सा हरकत में लाता है। मेरी ये कोशिश रहेगी, एक साथ मिलकर, अलग अलग नहीं। मैं ये भी चाहूँगा और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर है, स्कॉलर्स है, राइटर्स है, मैं दामन फैलाता हूँ उनके सामने। मैं नहीं कहूँगा, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी असेंबली चुनाव के जरिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा एक अपॉर्चुनिटी है, एक दरीचा खुला है, मेरे यार इसका फ़ायदा उठा ले, अपनी मंशा के मुताबिक सामने आकर आज फैसला दे और करने के मुताबिक इस कसौटी पर देख कौन आपकी वकालत कर सकता है, इस कसौटी पर देख कौन आपके दर्द का इलाज ढूंढने में मददगार साबित हो सकता है। जालसाज भी है, बहरूपिये भी है, दल बदलो भी है, लेकिन इतना कहूँगा यार, मेरे लोगों का फैसला कल भी मुनासिब था और आने वाले वक्त में भी मुनासिब होगा।